फ्यूचर की सोचते वक्त हम कई पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। क्या आपने भी अभी अभी बैचलर्स कंप्लीट किया है और आप मास्टर्स डिग्री करने की सोच रहे हैं? तो अगर आप मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एकदम सही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBA की। MBA प्रोग्राम्स आपको बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल्स जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जो किसी भी मैनेजर के लिए लेनी जरूरी है। नीच ऑफ वर्क मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो आपको कई पहलुओं जैसे बिजनेस लाइक इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस मार्केटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस की कंसेप्चुअल, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। MBA ग्रेजुएट्स का रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के कामों में आने वाले प्रॉब्लम्स को स्पॉट करके उनके सॉल्यूशंस निकालना, ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके और उसकी ग्रोथ हो सके, और ये सब उन्हें उनके कोर्स में सिखाया जाता है। हाउ टू डू MBA। MBA करने के लिए एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेंट को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना। जो एप्लीकेंट्स अपने बैचलर्स का फाइनल ईयर कर रहे हैं वो प्रोविजनल बेसिस पर इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएट एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने हैं, जैसे GMAT, NMAT, MAT और CMAT, या फिर आप CAT क्लियर करके इंडिया के कुछ प्रीमियम कॉलेजेस जैसे IIM में भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स MBA एडमिशन के लिए वर्क एक्सपीरियंस भी डिमांड करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स 2 ईयर्स तो कुछ 3 to 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। व्हाट टू लर्न। MBA की डिग्री किसी भी कैंडिडेट में साउंड मैनेजमेंट स्किल्स और एडवांस नॉलेज इक्विप करने के लिए बनाई गई है, ताकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर सके, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पर फोकस कर सके और समझ सके कि बिजनेस कैसे चलता है। MBA 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है और हर सेमेस्टर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करता है। MBA के सिलेबस में कोर और इलेक्टिव दोनों सब्जेक्ट शामिल हैं। MBA को लेकर कई मिथ्स भी है। नंबर 1, गुड सैलरी पैकेज विद MBA डिग्री। डिग्री खत्म हो जाने के बाद आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, लेकिन मैनेजेरियल और लीडरशिप जॉब के चैलेंजेस को झेलना ईजी नहीं होता है। आपको ये भी याद रखना है कि सारे कंपनीज हाई सैलरी पैकेज प्रोवाइड नहीं करते। सैलरी पैकेज पर्सनल की एबिलिटीज और स्किल्स पर डिपेंड करता है। नंबर 2, MBA मेक्स यू अ बिजनेस एक्सपर्ट। MBA का करिकुलम बिजनेस के अलग अलग पहलुओं को स्टडी करने के लिए लिमिटेड टाइम देता है। अगर आप ये सोच के MBA कर रहे हैं कि ये आपको बिजनेस एक्सपर्ट बना देगा, तो रियलिटी में आप इस कोर्स को करने के बाद डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस रिलेटेड सब कुछ 2 ईयर्स में नहीं सीख सकते। नंबर 3, व्हेन यू ग्रेजुएट विद एन MBA, यू आर रेडी टू बी अ मैनेजर। MBA करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ऑटोमेटिकली मैनेजर बनने के लिए आप क्वालिफाई हो गए। आप MBA प्रोग्राम में जो भी सीखते हैं, ये आप पर है कि आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ कैसे कंबाइन करते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, मैनेजरियल स्किल्स। जिस कैंडिडेट ने MBA किया हो, उसे अपने असाइनमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने की अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, तो आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना आना ही चाहिए, और इसके लिए आप में अच्छे मैनेजरियल स्किल्स होने जरूरी हैं। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी टास्क को इफेक्टिवली करने के लिए कैंडिडेट को क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जो स्टूडेंट्स MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दोनों वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने जरूरी हैं। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग एबिलिटीज। हमेशा बढ़ती हुई इकोनॉमी में ये जरूरी है कि हम आगे की सोचें और नेक्स्ट स्टेप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो MBA स्टूडेंट्स में प्रेशर हैंडल करके भी इफिशियंटली चलने की एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 4, प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आपके करियर में और MBA के कोर्स में भी आपको कई प्रोजेक्ट्स में काम करना और इन प्रोजेक्ट्स को ठीक से करने के लिए आप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स का होना जरूरी है। अच्छे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको टाइम को इफिशियंटली मैनेज करना, किसी से भी स्किलफुली काम करवाना और डेडलाइन से पहले काम करना सिखाती हैं। MBA करने के कुछ प्रोस है तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोस की। नंबर 1, डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स।
मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है और केस स्टडीज के थ्रू हेल्प करता है कि आप किसी फर्म या कंपनी को मैनेज करना सीख सको। इसके सिलेबस में आप लीडरशिप स्किल्स और मार्केटिंग नॉलेज सीख सकते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर करियर प्रोस्पेक्ट्स। MBA के कई स्पेशलाइजेशंस हैं जो स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर फोकस करने में हेल्प करते हैं। और अब बात करते हैं कॉन्स की। MBA वैल्यू इज इन्फ्लेटेड। करीब करीब सारे कॉलेजेस MBA प्रोग्राम ऑफर करते हैं, लेकिन सबकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती। अगर आप किसी अननोन इंस्टीट्यूट से MBA करते हैं तो आपके MBA डिग्री की वैल्यू भी अननोन ही होगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज। MBA करने के बाद आपको किस टाइप का जॉब मिल सकता है, यह आपके स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। जिन सेक्टर्स में MBA को जॉब मिल सकती है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। इन द एंड सब कुछ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव और उसके लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप सही डिसीशंस ले, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में तो हेल्प करेगा ही, इसके अलावा ये आपके स्किल्स भी फर्निश करेगा और आपके लिए बेटर प्लेसमेंट ऑफर्स भी लेके आएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन MBA विजिट आवर वेबसाइट, लिंक ऑफ विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, एंड डू चेक आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।